हाँ बेटा ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है हल्का सा ये कहना चाहिए आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बोरिंग करने वाला चैप्टर है। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे नंबर हुआ करते हैं। ओके तो देखिए, एज एन इंट्रोडक्शन अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यदि मैं इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करूँ कि जो नंबर हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से थे। देखिए सबसे पहले हमने जो इंट्रोड्यूस किए हैं नंबर, वो है नेचुरल नंबर। बेटा माइक ऑफ कर लो सभी लोग, माइक ऑफ कर लो सभी लोग, जब बोलूँगा तब स्टार्ट करना। हाँ तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटेबल नंबर होते हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 चलते गए। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, नेचुरल नंबर की फैमिली में एक और नंबर ऐड हो गया, वो नंबर 0 बन गया। तो 0 ऐड होने से 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आ गए, तो ये होल नंबर की फैमिली जनरेट हो गई हमारी। फिर इसके बाद नेगेटिव नंबर आ गए 0 के लेफ्ट साइड में, तो एक नई फैमिली बन गई जिसको बोला गया इंटीजर। तो 0 बीच में चला गया, इधर -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3 राइट साइड अनकाउंटेबल नंबर क्रिएट हो गए। तो ये एक और फैमिली बन गई हमारे पास, क्या इसको बोला गया इंटीजर। इंटीजर के बाद 0 और 1 के बीच में पॉइंट वाले नंबर मिले जिनको हम बोलते हैं रेशनल, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। सो 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 1/10। 0.2 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2/10। तो ये जो नंबर हैं, जो दैट नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और जहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं है, वे आर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक और फैमिली आ गई। ओके यहाँ पे पी और तो कोई भी नंबर था पी अपॉन क्यू, यहाँ पे पी भी क्या था इंटीजर था, क्यू भी क्या था इंटीजर था, दोनों इंटीजर थे, बट जो नीचे वाला इंटीजर है वो 0 के इक्वल नहीं था, याद रखिएगा। तो ये जो हमारी नंबर की फैमिली बनी अगली, इसको बोला गया क्या रेशनल नंबर, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहोगे सर कि क्या सारे नंबर्स रेशनल में आ जाएंगे? ऑब्वियसली आ जाएंगे। देखो जैसे आपके पास कोई नंबर है 5 या 6, तो 5 मान लो या -5 ले लो, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 5/1 या -5/1। ओके जैसे लिखा -9, तो यू कैन राइट इट -9/1। तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म इंटीजर अपॉन इंटीजर। इसलिए नेचुरल नंबर से बड़ा सेट हुआ होल नंबर, होल नंबर से बड़ा सेट इंटीजर, और इंटीजर से भी बड़ा सेट जो हो गया वो हो गया हमारा रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर में नेचुरल भी होगा, होल भी होगा और इंटीजर भी होगा। एक सवाल आप मुझसे कर सकते हो कि सर 0 कैसे हुआ रेशनल नंबर 0, बिकॉज 0 का मतलब तो 0 है सर, इसके नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है। बट बच्चों यू कैन राइट लाइक 0/1 लिख सकते हो इसको, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए आफ्टर ऑल 0 जो नॉमिनेटर होता है वो हो सकता है 0 के इक्वल। एग्जैक्टली 0 हो सकता है हाँ, और अगर न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा बेटा, और डिनोमिनेटर कुछ भी कर दो, बट याद रखना पी अपॉन क्यू में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर आप बात कर रहे हो रेशनल नंबर की तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं आज एक्सरसाइज का। इस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? तो मैंने क्या बताया, 0 क्या रेशनल नंबर? ऑब्वियसली, बिकॉज 0 में भी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। ओके 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो 0 है वो आपका रेशनल नंबर है। ओके 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, तो ये आपका रेशनल नंबर है, हैंस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? ओके यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ कि 3 और 4 के बीच का 6 रेशनल नंबर आपको निकाल लेना। कई तरीके हैं, ये अपॉन 2 करके का भी तरीका है ना, और सारे कई तरीके हुआ करते हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। ओके चलिए मैं बता देता हूँ आपको 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर। तो ऐसा फील करो कि नंबर लाइन पे ये 3 लिखा हुआ है और ये 4 है। ओके तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा?
3.1 भी आएगा, ओके 3.2 भी आएगा, 3.3 भी आएगा, 3.4 भी आएगा, 3.5 भी आएगा और 3.6 भी आएगा। यस 3.6 भी आएगा। तो हमें तो 6 चाहिए ना, हमें 6 नंबर चाहिए हैं, तो बस 6 काफ़ी हैं। 3.7 ले सकते हो। अब बोलोगे सर 3.1 इसको रेशनल कैसे, बेटा इसको ब्रेक कर दो, तो 3.1 को लिख सकते हो 31/10, अगला 32/10, अगला 33/10, देन 34/10, 35/10 एंड 36/10। तो बच्चों ये 6 रेशनल नंबर जो हैं इसके बीच के हैं, नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, 3 से 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर। यस सर। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना। अब एक और तरीका वो भी देख सकते हैं हम लोग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक और तरीका क्या है। डन, समझ में आ गया समृद्धि? अब एक और तरीके की हम बात कर लेते हैं, वो तरीका देखिए क्या है। वो तरीका क्या है कि जैसे बोला गया 3 और 4 के बीच में कितने नंबर है, 6, तो कुछ नहीं, यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 4, आपको कितने नंबर बोले हैं, 6, तो 6 से एक ज़्यादा ले लो 7, बस ये ट्रिक है, 6 से एक ज़्यादा नंबर ले लो 7, और इधर पे भी 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड। क्यों किया ये, क्योंकि एक ज़्यादा नंबर चाहिए था, और अगर आप किसी नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता है, वो नंबर वही का वही रहता है। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, नाउ 3 7 जा 21/7, और ये नंबर क्या हो गया 28/7, 21/7 एंड 28/7। अब इसके बीच के नंबर लिख दो, देखो 21 है, 21 के बाद क्या आएगा 22, तो ये आ जाएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। आने दो ना, क्योंकि कोई अब समृद्धि कह रही है कि सर आंसर तो डिफरेंट आएगा, तो बेटा मैं ये कहूँगा आपसे कि 3 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर हैं, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर हैं, तो कुछ भी आपका आंसर आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही आपका आंसर आए। हाँ तो यही, ये भी सही है बिल्कुल, एग्जैक्टली। मन से क्या, मन से का मतलब उसके बीच में होना चाहिए ना समृद्धि। सो हाँ, अब आप जैसे लिख दो 99/2, तो बीच में थोड़ा ना है, ये तो 45 पॉइंट समथिंग जा रहा है, फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि बीच में है कि नहीं है। तो 21/7, 23/7, 22/7 कितने हो गए, 5 हो गए, लास्ट 27/7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई 7 का नीचे डिवाइड, क्यों 6 बोला था ना, 6 नंबर, तो 6 से एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई एक ज़्यादा का डिवाइड, और फिर उसके बाद वो अपने आप बन जाएगा। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। प्रियांशी प्रगति आया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके चलिए ठीक है। सो ये ऐसे कर सकते हो, तो करना क्या है, 3/7 इधर 3 लिख लिया, इधर 4 लिख लिया, कितने नंबर डालने बीच में, 6, तो 6 से एक ज़्यादा का इधर मल्टीप्लाई और 6 से एक ज़्यादा का नीचे, इधर भी 6 से एक ज़्यादा का, इधर भी एक ज़्यादा का, कितना हो गया देखो, इधर इधर देखो कितना हो गया, ये हो गया 21/7 और ये हो गया कितना 28/7, तो 21 से 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे ऐसे करके आप लिखते जाओ तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये देखो, ये दिया मेथड मेरा वाला, 3 को लिखा, 4 को लिखा और इसके बीच के सारे नंबर आपने लिख डाले, ये हो गया। चलो कोई दिक्कत बच्चों, बन जाएगा ना? बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर, वही तरीका है, 5 बोले ना, तो 5 से एक ज़्यादा क्या होगा, 6, तो 3/5, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड, तो ऊपर कितना हो गया 18/30, और 4/5, 4/5, 6 का ऊपर 6 का नीचे, कितना हो गया 24/30, ओके 24/30। चलो 18/30 से लेके 24/30 के बीच के 5 नंबर लिख दो, 18 के बाद कौन आएगा 19/30, 19/30, 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30,
और फिर 23/30 लिख ठीक है, दिया, बस बस हो बन गए गई। 5 के लिए। देख लो ये, बोलो अब क्लियर। बाकी के जो नंबर बचे हैं सर वो कौन बचे हैं बाकी के नंबर, कहाँ बचे हैं? 26/30 तक तो आया वो था तो ना, 5 बोले ना उन्होंने, 24/30। उन्होंने हमसे यस 5 बोले ना। ऋषिका देखो 5 लिखा ना, 5 रेशनल नंबर, उसको लिखना ही नहीं अपन को, सर, समझ गए ना? और ट्वेंटी यस थ्री सर। के बाद ऋषिका 24/30 आएगा ना। 24/30 क्या है, 4/5 ही तो है, काट के देख लो, ओ हाँ 6 से सर, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो भर गए ना बीच के, हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर, यस चलो सर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही बात है, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि पहले आया नेचुरल नंबर का सेट, और उसके ऊपर किसका सेट आया, होल नंबर का। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। तो ऐसे तो फिर रेशनल नंबर ही इंटीजर होगा, सारे इंटीजर रेशनल होंगे, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, सारे इंटीजर रेशनल होंगे, क्योंकि सबसे पहले नेचुरल, नेचुरल को कंटेन करता है होल, होल को कंटेन करता है इंटीजर, इंटीजर को कंटेन करते हैं रेशनल नंबर। तो इसका मतलब फिर नेचुरल और नंबर रेशनल नंबर भी होंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, रॉन्ग। एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, हर होल नंबर एक इंटीजर है, मगर हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल -3, तो -3 इंटीजर तो है मगर होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, रॉन्ग, गलत। अगला, अगली एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर रेशनल नंबर होल नंबर है, गलत। हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, ये देखो होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के अंदर है, समझ गया ना? तो हर होल नंबर रेशनल नंबर तो होगा, मगर हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2, ये रेशनल तो है मगर क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? बोलिए समझ में आया यस कि नहीं सर, आया? ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर को कंटेन करता है होल नंबर, होल नंबर को कंटेन करता है इंटीजर, इंटीजर को कंटेन करता है कौन, रेशनल नंबर, और रेशनल के साथ थोड़ा सा ये मिक्सअप कर दो इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल को मिला करके जो सबसे बड़ा सेट बनता है नंबर्स का, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में दो तरीके की फैमिली मिक्स होती है, एक होती है रेशनल, एक होती है इरेशनल। रेशनल का मतलब दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, ओके। और इरेशनल मतलब ऐसा नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दीज नंबर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो नंबर होते हैं या तो ये होते हैं रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब, जैसे रिपीटिंग का मतलब समझो, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, अगर कहोगे आपके पास रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये ऐसे होंगे 1.33333, ये देखो रिपीट हो रहा है, या 2.343434, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और टर्मिनेटिंग का मतलब जो जा करके कहीं पे रुक गया, ये तो रुक नहीं रहा है, ये रिपीटिंग है, मगर टर्मिनेटिंग का मतलब जो जाकर कहीं पे रुक गया, जैसे 2.216, ये देखो बस रुक गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये कहलाते हैं रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं, दोज आर नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉर टर्मिनेटिंग, मतलब वो ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं कहूँ 2.346245216, देखो क्या ये कहीं पे रुक रहे हैं? नो, क्योंकि डैश 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 चला जा रहा है। और क्या कहीं पे टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, क्या कहीं पे रिपीट हो रहे हैं? नो, तो ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बच्चों नोट करो, हाँ
ये चार्ट बना लीजिए रियल नंबर का, सबसे ऊपर बनाओ रियल नंबर, रियल नंबर में दो पार्ट करो रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल। दो केसेस रिपीटिंग दो केसेस हैं, एक है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और दूसरा है नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। जो रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है बेटा उनको रेशनल बोलेंगे, और जो नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हम इरेशनल बोलेंगे। तो मैं इनको अपनी भाषा में बोलता हूँ, इनके लिए ट्रिक बताता हूँ मैं। रिपीटिंग रेशनल नंबर के लिए मैं बोलता हूँ जो जमे या थमे। अच्छा, थमना का मतलब होता है रुकना, और जमना का मतलब होता है ये देखो फ्रीज में जम गया, 333 बर्फ के जैसा एक ही जैसा हो गया ना, तो जम गया, तो ये भी क्या है रेशनल है। और ये देखो थम गया है, ये थम गया 2.216, ये थम गया, तो ये भी रेशनल है। बट ये देखो ना तो ये जमा है और ना तो ये थमा है, मतलब ना तो रिपीट हो रहा है ना ही रुक रहा है। तो जो ना जमे ना थमे, क्या बोलूँगा, ना जमे मतलब ना रिपीट हो, ना थमे मतलब ना टर्मिनेट हो, तो इसको मैं बोलता हूँ इरेशनल। सर हाँ बेटा, सर जो रेशनल नंबर में जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनके लास्ट के दो नंबर पे बार लग जाता है ना ऊपर? बिल्कुल नहीं, लास्ट के दो नंबर पे बार नहीं लगता बेटा, जितने नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगता है। सर जैसे 1.33, हाँ तो इसको लिखोगे बेटा 1.3 बार लगेगा, इसे 1.33 बार नहीं लिखोगे, इसे 1.33 yes, बार नहीं लिखोगे, इसे लिखोगे 1.3 बार, ठीक है? यस सर। नोट करो इतना, फिर और बताता हूँ। ठीक है डन सर, कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे आपने पूछा यहाँ पे ऋषिका की, जैसे 2.3434, तो 34 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखोगे 2.34 बार, लिख लो, ये होता है बार लगाना। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं, इरेशनल भी और रेशनल भी, तो बिल्कुल सही बात है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं। हाँ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोलो समझ में आया बच्चों की नहीं आया? यस सर। क्योंकि इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर के जैसा ही होता है। हाँ बच्चों, मैं शीट भेज देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। चलो ठीक है, सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एग्जैक्टली। सेकेंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखो भाई सर, अंडर रूट एम मतलब, देखो मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि दुनिया का कोई भी पॉइंट है उसे आप अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। दुनिया का कोई भी पॉइंट है उसे आप अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसको समझो ना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जैसे नंबर लाइन है आपके पास,
ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में रियल नंबर में वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। कह रहा है कि नंबर लाइन में बैठे हुए हर पॉइंट को आप अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो। नंबर लाइन में बैठे हुए हर पॉइंट को आप अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक ना। हर पॉइंट को आप अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन में दिया है वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। रुक जाइए, अब कह रहा है एम इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। मान लो थोड़े समय के लिए आप क्या लेते हो, अंडर रूट थ्री लेते हो, तो रूट थ्री कितना आता है, रूट थ्री आता है 1.732 अप्रॉक्स वैल्यू। तो रूट थ्री की वैल्यू आती है 1.732, तो रूट थ्री यहाँ पे आएगा लगभग 1.732, ये थोड़ा सा और आगे। और बट मैं बोलूँ रूट फोर, तो रूट फोर कितना आता है 2, मतलब एक नंबर तो ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, और इसके बीच के तो कोई नंबर की जानकारी मिल नहीं रही इस फॉर्मूले से। मतलब रूट एम जो है वो आपको कुछ ही नंबर देगा, सभी के सभी नंबर नहीं देगा, वो आपको कुछ ही जानकारी देगा। इसलिए आप हर एक नंबर को रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जहाँ पे एम नेचुरल नंबर है, क्योंकि रूट एम आपको कुछ ही नंबर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। रूट एम आपको कुछ ही नंबर देगा, सारे नहीं देगा, बोलो। नहीं आया समझ में क्या? नहीं आया। चलो देखो, जैसे रूट फोर और रूट फाइव। बेटा रूट फोर कितना होता है, 2 होता है, बोलो। हाँ यस सर। हाँ, रूट फाइव कितना होता है, रूट फाइव एक रेशनल है, मान लो 2.25 ये होता है। तो ये बताओ कि क्या 2 से लेके 2.25 के बीच में कोई नंबर नहीं है कि बहुत सारे नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हैं। बट क्या बहुत सारे नंबर की जानकारी कोई देगा इनके बीच की कि नहीं देगा? नहीं सर, नहीं देगा। मतलब आप केवल अकेले इस नंबर से सारे नंबर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आपने एम की जगह फोर को रख दिया है। एम की जगह कुछ भी रखोगे आप तो सारे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कुछ ही मिलेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, उसमें कह रहा है कि दुनिया के सारे नंबर आप अंडर रूट एम से शो कर सकते हो, नहीं कर सकते सारे नंबर, सारे रियल नंबर। सारे रियल नंबर को आप अंडर रूट एम से कैसे शो करोगे, नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, अब आ गया। अगला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, कोई जरूरी नहीं है, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, मैंने क्या बताया था कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं। तो आंसर हुआ नो। Yes, समझ में आया? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का कहना है आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। चलो लेकर के देखते हैं कि स्क्वायर रूट चार, चार का रूट कितना आ गया, 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो बताओ बच्चों, इरेशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। तो बिल्कुल गलत हो गया, आंसर होगा नो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, नो। अब जैसे 9 ले लो, 9, तो 9 का रूट कितना आएगा, 3, एंड 3 में भी रिटर्न इज 3/1, तो ये तो रेशनल है। ओके, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट दैट इज इरेशनल नंबर। कह रहा है रूट ऑफ अ नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो कह रहा है इसका एग्जाम्पल दो। तो लिख दो ये एग्जाम्पल कि 4 एक नंबर है जिसका जो रूट आ रहा है वो रेशनल है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। सर 5 का रूट क्या होगा? 2.2 समथिंग होता है बेटा, याद करना पड़ेगा, 2.2 कुछ होता है। तो सर उसको उस क्या कहते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना, इरेशनल है ना, इरेशनल है, इरेशनल है, इसलिए फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा 5। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अगला टॉपिक आता है बच्चों, अगला टॉपिक ये है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता था। लिखो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। देखो बेटा कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट, जैसे आपके पास मान लो आपको रिप्रेजेंट करने को बोला गया है रूट थ्री। क्वेश्चन लिखो बच्चों, रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन, ध्यान से देखो, क्या आप रूट थ्री को अंडर रूट, रुक जाओ, क्या आप रूट थ्री को 2+1 लिख, पहले लिखो बच्चों रिप्रेजेंट अंडर रूट टू ऑन नंबर लाइन। रूट थ्री को रूट टू कर लो, कर लिया सर। रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन, क्या आप रूट टू को अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है और ये वन का स्क्वायर भी वन होता है, तो रूट टू हो गया कितना, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब आप एक थ्योरम जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो यस की नो? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? भाई स्क्वायर हटा तो सामने वाले में रूट लग गया, और क्या हुआ है? हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या दिक्कत है बोलो? सर मतलब हाइपोटेनस के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर रूट लग जाएगा। एग्जैक्टली, ये तो होते ही ना, स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो देखो यहाँ से अब इस फॉर्मूले को मैच करो, हाइपोटेनस कितना है रूट टू इक्वल टू परपेंडिकुलर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर भी वन है और बेस भी वन है। क्लियर? यस सर। बेटा माइक लेके आया करो उसको, है ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना। वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब इसका बेस कितना है वन, परपेंडिकुलर कितना है वन। चलो ड्रॉ करो, बेस कितना ले लिया वन, हाइपोटेनस अपन ने टू किया है। हाँ, हाइपोटेनस रूट टू आएगा ना बेटा, जब ये वन और वन होगा तभी तो ये रूट टू बनेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर ये वन है और ये भी वन है तो ये हाइपोटेनस इसका बन गया, बोलो? यस सर। वन और वन का हाइपोटेनस कितना होगा, रूट टू होगा। यस सर। अब एक काम करना, वो लेना है आपको कंपास, कंपास में यहाँ पर रखना है उसकी सुई और यहाँ पर रखनी है पेंसिल और यहाँ से इसको गिरा देना है नीचे, आर्क मार देना है, तो जहाँ तक लेंथ काटेगा बेटा वही है आपका रूट टू। इस आर्क को नीचे प्रोजेक्ट कर देना है घुमा करके, तो जहाँ तक लेंथ काटेगा वही क्या है रूट टू। समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, चलो फिर से बताते हैं, एक बार नोट करो इसको। चलो नोट करो इसको, ये बुक में दिया हुआ एक्टिविटी है ये आपकी। सर इसको करने की कोई और सी मेथड नहीं है? बस यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है रूट थ्री निकालने की, रूट टू निकालने की। तो सर जैसे अपन ने रूट टू में तो क्या कहते वन का स्क्वायर लिया है, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट थ्री में क्या लेंगे? बस वही बता रहे हैं, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ। सर ये कर लिया नोट। चलो रूट थ्री देखो, प्रियांशी प्रगति आ रहा समझ में? यस सर। अमन क्लास में हो बेटा तुम?
अगम। सर। ओके देखिए ये हो गया। अब आपने रूट थ्री पूछा मुझसे, कैसे करेंगे रूट थ्री देखो बेटा, नोट कर लो इसको अच्छे से बना लो। तो वो जो रूट टू है ना उसको नीचे ड्रॉ करना पड़ता है, नंबर लाइन में काटना पड़ता है, तब बनता है रूट टू ऑन नंबर लाइन। अब देखिए बच्चों रूट थ्री ड्रॉ करना, अच्छे से समझो इसको, इसकी इसकी मेथड पे जाओ, इसकी मेथड को समझो। रूट थ्री ड्रॉ करना है, रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट थ्री मतलब होता है अंडर रूट टू प्लस वन, बोलो होता है कि नहीं होता। रूट थ्री इक्वल टू टू प्लस वन होता है कि नहीं होता, अब इसमें क्या सोचना, रूट थ्री इक्वल टू टू प्लस वन तो होता ही है हाँ सर होता है। ठीक है ना। अब देखो ये होने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे ये समझो। क्या आप टू को, क्या आप टू को अंडर रूट टू को, टू को क्या आप रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हो, क्या सर? टू को आप रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हो, यस हाँ और लिख वन को सकते वन हैं। का स्क्वायर लिख दो, बोलो हाँ। यस सर। मतलब ये क्या बन गया, हाइपोटेनस, ये बन गया बेस, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो इस बार जो बेस बना है वो क्या बना है, रूट टू बना है, बना है कि नहीं बना। हाँ सर। तो आप पिछले बार जो रूट टू निकाले थे वो लोगे बेस, तो रूट टू बनेगा बेस, और वन क्या बनेगा इसके ऊपर, परपेंडिकुलर। समझ में आया? यस हाँ सर। हाँ अरे रूट टू निकाले थे ना बेटा पिछले बार, अभी यहाँ तक रूट टू निकाले थे, हाँ नहीं निकाले थे? ऐसा तो निकाले थे। यहाँ हाँ तक ये बन जाएगा रूट टू बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, सर। और इसके ऊपर ये बन जाएगा परपेंडिकुलर वन का। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये जो यस सर। डिस्टेंस आएगी क्या आएगी, हाइपोटेनस, ये आएगी रूट थ्री। पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू का स्क्वायर और वन के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो क्या होगी, रूट थ्री। क्लियर? सर नहीं हुआ क्लियर? बेटा ये रूट टू है, यहाँ तक की लेंथ वन है, तो ये हाइपोटेनस रूट थ्री तो होगा, देखो ना। हाँ सर अब आ गया समझ में। आ गया आ गया आ अब गया। इस रूट थ्री को अपन ने वो आपको जो जो है, आर्क ड्रॉ करी थी हाँ वो रूट सर। टू तक की थी। अब इसको रूट टू तो को उसके लोगे, ऊपर पेंडिकुलर खींच हाँ देना बिल्कुल है। सही, परपेंडिकुलर खींच दोगे और ये हाइपोटेनस बना दोगे तो ये रूट थ्री हो जाएगा। बट ये रूट थ्री का हाइपोटेनस अपना हवा में है, तो इसको ज़मीन में प्लॉट करना है। तो यहाँ से आर्क भर के इतना कहीं मारोगे तो ये जो कट करेगा जहाँ पर वो होगा रूट थ्री। क्लियर? यस सर। चलिए तो इस तरीके से ये रूट थ्री हो गया। क्लियर है ना? यस सर। कंपास की टिप यहाँ पे रहेगी और कंपास की पेंसिल यहाँ पे रहेगी, और उसको फिर ज़मीन में घुमा देना इस एक्सिस पे, तो जहाँ पर ये काटेगा वो हाँ आपका रूट थ्री होगा। ठीक है? तो इस यस तरीके से आप इरेशनल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सर। यस सर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ रूट फाइव ऑन नंबर लाइन। सर हाँ बेटा, सर ये जैसे एग्जाम में आएगा और उनने कोई बड़ा नंबर दे दिया फिर क्या करें? रूट फाइव तक ही आएगा बेटा आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में रूट फाइव तक है। ठीक है? यस सर। हाँ रूट फाइव कैसे करेंगे, देखो बेटा रूट फाइव को लिख सकते हो अंडर रूट फाइव इक्वल टू फोर प्लस वन, बोल बेटा हाँ है ना। हाँ सर। फोर का मतलब टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बोलो यस। यस सर। मतलब बेस बन गया टू और परपेंडिकुलर बन गया वन, बोलो हाँ। तो टू हाँ तक ले सर। लोगे बेस और परपेंडिकुलर ले लोगे वन, और इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, कर दोगे, हाँ और सर। ये आएगा रूट फाइव, इसको ड्रॉ कर देना ऐसे। सर तो ये सारी मेजरमेंट ले लेके करना पड़ेगा कि हाँ ऐसी आपको ग्राफ फ्री पेपर है? में करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ग्राफ पेपर में ये जीरो है, ये वन है,
और यहाँ तक आपके पास क्या है, ये अपने पास जो है आपको क्या बनाना है, आपको फोर बनाना है। तो इतनी परपेंडिकुलर मेहनत नहीं करनी है आपको, आपको सीधे ग्राफ पेपर में फोर को लिख सकते हो, अंडर रूट फाइव है ना, अंडर रूट फाइव। तो अंडर रूट फाइव क्या बनेगा, फोर प्लस वन, फोर मतलब कितना, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो टू तक की लेंथ ले लेना। तो ये है वन और ये है टू, तो टू बन गया बेस, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना, वन का परपेंडिकुलर। अब इसको इससे ज्वाइन कर देना, तो ज्वाइन करोगे तो ये जो डिस्टेंस मिली क्या है, ये रूट फाइव है। बट आपको इसको कहाँ प्लॉट करना है, एक्स एक्सेस में। तो यहाँ पे पेंसिल रखना और यहाँ इसका कंपास की नेडल रहेगी, इसको घुमा करके यहाँ ले आना, तो ये आपका बन गया रूट फाइव। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, आ गया समझ में, बहुत अच्छे से। अरे समृद्धि क्या प्रॉब्लम फील कर रही हो, सही तो है। ये लो ग्राफ पेपर, ऐसा मिलेगा, ये वन और ये टू, तो ये हो गया टू बेस, और इसके ऊपर वन यूनिट का परपेंडिकुलर स्केलर से। अब ये खींच दिया तो ये क्या है, रूट फाइव है। अब रूट फाइव इतना जो है इसको ज़मीन पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कंपास रखो और ये घुमा दो कड़क। हाँ, तो जहाँ पे ये काटेगा वो क्या होगी, डिस्टेंस रूट फाइव। चलिए अगली एक्टिविटी बच्चों, कस्टम एक्टिविटी है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको लगातार स्पायरल बनाना है। कैसे बनाना है, पहले वन के ऊपर वन परपेंडिकुलर, जैसे अभी सिखाया था वन और वन, तो और वन और वन का क्या बना था, रूट टू, फिर रूट टू के ऊपर परपेंडिकुलर बना दो वन, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या जाएगा बेटा, देखो टू प्लस वन थ्री आएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रूट थ्री। अब रूट थ्री पर वन फिर से परपेंडिकुलर खींच दो, तो रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री प्लस वन यानी कि फोर यानी टू, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट फोर। तो ये एक्टिविटी इसको खुद से कर लेना, ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए दो एक्सरसाइज हो गई आज के लिए, अब इसको मुझे करके दिखाओ। डन। रूट टेन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो रूट टेन ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है। रूट टेन कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखो रूट टेन को लिख सकते रूट हैं, फाइव प्लस फाइव, नहीं बेटा रूट फाइव प्लस फाइव में बहुत टफ हो जाएगा। रूट टेन को लिखो नाइन प्लस वन, मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक दो तीन, तो तीन क्या बन गया, बेस, और वन आएगा ऊपर, जब तीन नीचे आ गया तो वन ऊपर आएगा, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ दो, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी बेटा, रूट टेन हो गया। अब इसको क्या करो, यहाँ से नेडल रखो, आर्क काट दो, आर्क काट दो और खटाक यहाँ काट दो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो रूट टेन होगी, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि इसलिए ये इसका कोई बेस नहीं है, इसका केवल बेस है दिमाग लगाओ। रूट नाइन प्लस वन जो है अपन दिमाग लगाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है। अब जैसे आपने कहा बेटा कि रूट फाइव प्लस फाइव ले लो, अब रूट फाइव के लिए फाइव ड्रॉ करना कितना मुश्किल है, मतलब रूट फाइव का स्क्वायर और प्लस रूट फाइव का स्क्वायर, तो पहले मेरे को दोनों के लिए रूट फाइव बनाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। बट थ्री तो मेरे को डायरेक्टली ग्राफ पेपर में दिख जाएगा ना बेटा। सर हाँ सर, इसमें अपन एट प्लस टू नहीं ले सकते थे, रूट देखो एट प्लस अगर टू? अगर आप एट प्लस टू की बात कर रही हो तो कितना मुश्किल है, देखो रूट एट प्लस टू और अंडर रूट एट प्लस टू, तो पहले तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तब तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, अंडर रूट एट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर। अब अंडर रूट एट कहाँ ड्रॉ है अपने पास, कुछ भी नहीं है अंडर रूट एट। सर एट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, एट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ अगर परफेक्ट स्क्वायर होता, बट नाइन परफेक्ट स्क्वायर है, समझ गए ना, नाइन परफेक्ट स्क्वायर है, तो नाइन प्लस वन ये हो जाएगा थ्री का परफेक्ट स्क्वायर प्लस वन का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जितना क्लोज हो सके परफेक्ट स्क्वायर के पास पहुंचो। हाँ बोलो समृद्धि। यस सर, रूट वाला समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है, तो रिलेशन होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट लग जाता है, यहाँ पे आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब आपको अंडर रूट टेन को देखना है, अंडर रूट टेन को, तो अंडर रूट टेन कैसे लिख सकते हो आप, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, तो पहले नाइन को लिखा मैंने नाइन प्लस वन, नाइन को क्या लिखा मैंने थ्री का स्क्वायर और प्लस कितना वन का स्क्वायर,
तो बेस बन गया 3 और परपेंडिकुलर बन गया 1, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, तो बेस के काम कौन करेगा, 3 का काम करेगा, और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, 1 का काम करेगा। तो यहाँ पे 3 ड्रॉ किया, इसके ऊपर 1 ड्रॉ किया, तो ये बन गया अंडर रूट 10, और इसको आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया। चलो ठीक है बच्चों, बन जाएगा क्लियर। हाँ, होमवर्क लिखिए, आपको रूट 2 ड्रॉ करना है, रूट 3 ड्रॉ करना है, रूट 5 ड्रॉ करना है, ओके, रूट 10 ड्रॉ करना है, 4 4 16 1 17, अंडर रूट 17 ड्रॉ करना है। हम तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करके तुम्हारे पापा को भेज देंगे, तुम्हें नहीं ना कुछ भी करा तो, और रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तुम्हारी पूरी आवाज़ जा रही है, ये देखो अभी शेयर करता हूँ। नहीं भले आना है, बट बनता तो है ना। अब रूट 17 में क्या है बेटा, रूट 17 मतलब 16 प्लस 1, मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, खेल खत्म, 4 इधर और 1 इधर, बन गया रूट 17। अब इतने के लिए क्या बताऊँ, रूट 26। चलो बच्चों, इतने आपको ड्रॉ करके लाने हैं, साथ ही साथ 1.1 और 1.2 विद एग्जांपल एक्सरसाइज करनी है। चलिए क्लास समाप्त होती है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। हाँ बेटा।